खटीमा कोतवाली में निर्माणाधीन भवन की मानकों की अनदेखी को लेकर मीडिया द्वारा खबरें चलाए जाने पर आज देहरादून से पेयजल निगम के अपर अभियंता जियान पांडे और उनकी टीम निर्माणाधीन भवन की जांच के लिए पहुंची, जहां उन्होंने निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। इस अवसर पर जियान पांडे अपर अभियंता का कहना था कि निर्माणाधीन भवन का डाई ठीक है, थोड़ा सा पानी का लेवल होने के कारण सीमेंट में मिक्स मिलाकर नियम फॉलो करा जाएगा। यदि यह पानी में काम करते हैं तो मिक्स मिलाया जाएगा और अधिकारी के सामने ही काम होगा। सरिया बिछने के बाद एक या दो दिन बाद कास्टिंग होती है, जिस पर सरकारी कर्मचारी यहां पर मौजूद होगा। उनका कहना था कि लगभग 0.3 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग की 2 यूनिट बन रही है, टोटल 12 आवास बन रहे हैं। ठेकेदारों को निर्देश है कि जब तक काम चलता है या तो वह खुद खड़ा रहे या टेक्निकल कर्मचारी खड़ा रहे, जिससे कोई शिकायत का मौका न मिले। इसके साथ ही 25 से ऊपर की स्ट्रेंथ चाहिए, 25 से ऊपर स्ट्रेंथ नहीं मिलने पर स्ट्रक्चर को तोड़ दिया जाएगा। उधम सिंह नगर, खटीमा से हेमंत कुमार की रिपोर्ट। कल ये यहाँ की जो शिकायत जो है प्राप्त हुई थी, उसको आकर के मैंने जो है चेक किया, तो किसी भी स्ट्रक्चर के काम में कोई भी जो है कमी नहीं है। डाया जितना ड्राइंग्स पर दिया गया है उतना मैंने चेक करा है, वो सब डाया ठीक है, सब कुछ ठीक है। थोड़ा सा पानी का जो है प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर है, तो ये आगे फर्दर जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे उसमें मिक्सचर जो आपके सीमेंट में मिलते हैं, जैसे रैपिड हार्डनिंग, क्विक सेटिंग, वो थोड़ा सा मिला के उसको जो है फॉलो करेंगे। अदरवाइज स्ट्रेंथ हमको 25 की चाहिए थी, स्ट्रेंथ हमको 28 की मिल रही है, तो काम में कमी नहीं है। इनको इंस्ट्रक्शंस केवल ये हैं कि आगे पानी में जहाँ पर भी ये काम करेंगे तो उसमें एडमिक्सचर मिलाएंगे सीमेंट के, तो उसके बाद मेरे किसी आदमी के सामने ही कास्टिंग होगी। हाँ, मेरे आपके जेई या फिर आपके टेक्निकल कर्मचारी रहेगा। सरिया चेक करना मेरा काम है। अभी तक जितने भी साइडों में काम हुए हैं, सरिया मैंने चेक किया है। सरिया चेक होने के 1 या 2 दिन के बाद ठेकेदार कास्टिंग करता है, जिस समय कास्टिंग होगी उस समय मेरे डिपार्टमेंट का आदमी यहाँ पर खड़ा रहेगा, तभी कास्टिंग होगी। ये यहाँ पर 2 आपके यूनिट जो है बननी थी, 12 आवास बनने हैं, 6 आवास जिससे हम छत में खड़े हैं, 6 आवास इसमें बनेंगे और 6 आवास जो यूनिट नंबर 2 है उस पर जो है बनेंगे। 3 करोड़ के आसपास का ये आपका जो प्रोजेक्ट है। ठेकेदारों को सीधे से निर्देश है कि जितनी देर काम यहाँ पर साइट पर चलता है, आइदर ठेकेदार खुद खड़ा रहे या उसका टेक्निकल इंजीनियर साइट पर खड़ा रहे, जिससे कि कोई शिकायत का मौका प्राप्त ना हो। और पर स्ट्रेंथ हमको जब भी चाहिए, हमको 25 Nm/mm से ऊपर की स्ट्रेंथ हमको चाहिए। अगर स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी तो इमिडिएटली वो कॉलम या स्ट्रक्चर को तोड़ दिया जाएगा। जयांक पांडे, AE, उत्तराखंड पेयजल निगम, देहरादून।